हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आ जाइए, शुरू करें आज की क्लास। और आप सभी की जो क्लास चल रही है बीपीएससी सेकेंड फेज की, है ना, बीपीएससी आपका सेकेंड फेज की ये बहाली है। और इसमें आपको सभी लोगों को एनसीईआरटी 6-10 एमसीक्यू भेज दिया गया है। जो लोग भी ग्रुप में जुड़ गए हैं, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके आप जुड़ सकते हैं। 7857-82-43-10 ये नंबर है। और आज जो टेस्ट होगा दोस्तों, वो टेस्ट नंबर आपका 12 है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम लेकर के आए हैं, जो आपको एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना होगी। सामाजिक विज्ञान की हमारे यहाँ पूरी तैयारी चल रही है 6-8 और आपको 9-10 की आपका ये एनसीईआरटी पर आपको आधारित ये सारे सवाल हैं। और एनसीईआरटी से ही आप पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एससीईआरटी जो है वो भी ठीक है, है ना, हम ऐसा नहीं कहते वो खल गलत है, लेकिन एससीईआरटी में दोस्तों अपडेट आपको नहीं मिलेगा। उसमें जो भी जैसे अपडेट तो जैसे हिस्ट्री में तो अपडेट नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, उसमें अपडेट चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए उसमें अपडेट नहीं किया गया है, तो वो दिक्कत हो जाता है, है ना, आपको गूगल करके खोजना पड़ेगा, ठीक है। और डेली आपकी जो टेस्ट होती है वो रात में 9 बजे से टेस्ट होती है। आज होगा टेस्ट नंबर आपका 12। तो फटाफट सभी लोग आ जाइए, शुरू करें आज की क्लास। और ये नंबर है हमारा 7857-82-43-10। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि जो लोग अगर थोड़ा सा के लिए चुक गए हैं, 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, है ना, 10 नंबर, तो आपका जो ये तैयारी हुआ था पिछले बार, वो उसको बेकार मत जाने दीजिएगा, क्योंकि सेकेंड फेज की आपकी बहाली आ गई है। और बिल्कुल जोर शोर से आप लग जाइए और एकदम तैयारी में लग जाइए, है ना। इसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलने वाला है ना, क्योंकि अभी देखिए इलेक्शन का समय है और अभी सभी काम फटाफट होगा। जैसे कि बीपीएससी फर्स्ट फेज आप देख लिए ना, कितना तेजी से ये काम हुआ। और बीपीएससी फर्स्ट का आपका रिजल्ट भी आ गया, सभी लोगों को नियुक्ति पत्र भी मिल गया दोस्तों, है ना, 2 से 2.5 से 3 महीना में सारा काम हो गया। और देखिए सेकेंड फेज का भी नोटिफिकेशन आ गया है, 3 तारीख से आपका फॉर्म अप्लाई भी होने लगा है। 1 महीना आपके पास मात्र समय है, मात्र 1 महीना। और इसी 1 महीना में दोस्तों बीच में देखिए आपको 2 महापर्व भी है, जिसमें बिहार का सबसे बड़ा महापर्व छठ पूजा है, जो आपको लगभग 1 सप्ताह समय आपका बर्बाद कर देगा। उसके बाद उसके पहले दोस्तों दीपावली है, जो लगभग 4 से 5 दिन आपका समय बर्बाद करेगा। तो ये समय को आप बर्बाद मत होने दीजिएगा, है ना। दीपावली है, ठीक है, अगले बार दीपावली मना लेंगे, अगले बार छठ पूजा मना लेंगे। इस बार दोस्तों आप दीपावली छठ पूजा नहीं मनाइएगा, बिल्कुल अपना तैयारी पे फोकस करिएगा, तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एक एक नंबर दोस्तों देखे ना, एक एक नंबर से 2-2, 3-3 सौ बच्चा छट गया। एक एक नंबर से दोस्तों कोई एज से छट रहा है, कोई नाम से छट रहा है, बताइए। अब कोई बच्चा 72 लाया या कोई बच्चा 74 लाया, है ना, सोशल साइंस की मां बाप का बात कर रहा हूं, 74 गया था जनरल का कट ऑफ। और बहुत सारे स्टूडेंट 74 पे होंगे जिनका हो गया होगा, और कुछ वैसे भी होंगे जिनका नहीं हुआ है दोस्तों। आखिर कारण क्या है, तो उनका एज फैक्टर को लेकर के, है ना, क्योंकि आपका नंबर अगर बराबर है और सीट यहां पर फुल हो गया, तो जो जिनका एज ज्यादा है उनको पहले ले लिया जाएगा, जिनका कम है उनको बाद में लिया जाएगा। अब देखिए सेकेंड मेरिट लिस्ट आता है, तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो बाउंड्री लाइन पर होंगे, उनका होने का चांस होगा। अब देखिए कितने लोगों का हो पाता है। तो चलिए आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो पहला सवाल का आप लोग अपना फटाफट जवाब दीजिए। वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि 9 बजे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके और आप तैयारी कर सके। पहला सवाल है कि बास्तिल का पतन किस तिथि को हुआ था, है ना, बास्तिल का पतन। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस की क्रांति अगर नहीं पढ़े हैं तो चैप्टर नंबर 1 ही आपको दिया गया है क्लास 9 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, यहां से आपको 4-5 सवाल एग्जाम में पूछ लेता है। तो बास्किल का जो पतन हुआ था, ये डेट बताना है, इसका जो पतन हुआ था 14 जुलाई 1789, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा बास्किल का पतन, है ना, याद रखिएगा। फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो कब हुई थी, 1789 में, सबको पता है, है ना, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति जो हुई थी दोस्तों, इसका मुख्य कारण क्या था, बताइए, तो किसी को पता है फ्रांस की क्रांति जो हुई थी आखिर इसका मुख्य कारण क्या था, है ना, इसका मुख्य कारण क्या था। अभी फिलहाल कुछ दिन इसी प्रकार से आप सभी की क्लास चलेगी, है ना, फिलहाल इसी प्रकार से चलेगी, क्योंकि देखिए हमारे पास ज़्यादा समय नहीं रहता है ना, उधर अब
स्कूल को भी देखना पड़ेगा, आप लोग को भी देखना है, ठीक है। और आप लोग की तैयारी में कमी नहीं होगी, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, और हमारे ग्रुप में जुड़ जाइएगा जरूर से जरूर, क्योंकि वहाँ पर 6 से लेकर के 10 क्लास तक आपको चैप्टर वाइज MCQ नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, बस उसको आप याद कर लेना है। उसके अलावा जो टेस्ट होगा ये सारे चीज़ आपको कर लेना है, ठीक है। NCERT बुक सभी लोग ले लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा, अब ज़्यादा दिन समय नहीं है लेकिन रिविजन करते रहना है आपको, ठीक है। तो बास्तिल का पतन हुआ था 14 जुलाई 1789। आखिर फ्रांस की क्रांति का जो मुख्य कारण था वो था आर्थिक कारण, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण था आर्थिक कारण दोस्तों, है ना, क्या था, आर्थिक कारण ही मुख्य कारण था इसका, फ्रांस की क्रांति का। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर यहां से सी नंबर हो जाएगा। देखिए फ्रांस की क्रांति जो था ना दोस्तों, इसको कहा जाता है विश्व में प्रथम ऐसा क्रांति था जो राजतंत्र को समाप्त किया था और लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर प्रश्न, कह रहा है कि 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी। जी हाँ, 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, है ना, इसके बाद कह रहा है कि फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ था, क्योंकि 1789 से पहले दोस्तों यहाँ पर राजतंत्र था और राजतंत्र फिर समाप्त करके यहाँ पर लाया गया था क्या, तो संवैधानिक तंत्र, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, संवैधानिक गणतंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग फटाफट अपना अपना कमेंट भी करते चलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग, है ना, अपने अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा शेयर कर दिया कीजिएगा ताकि उन लोगों का थोड़ा सा कल्याण हो जाएगा। तो 1789 की क्रांति के बाद दोस्तों वहाँ जो शासन व्यवस्था हुआ वो संवैधानिक गणतंत्र की स्थापना हुई थी आपका, ठीक है। चलिए देखिए 1789 में तो यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन फिर से 1804 में क्या हुआ था, क्योंकि वहाँ पर नेपोलियन राजा बना, आना, और 1804 में फिर से दोस्तों वहाँ पर राजतंत्र स्थापित कर दिया गया था नेपोलियन के द्वारा। तो ये भी सवाल आपको पूछा जाता है कि नेपोलियन फिर से फ्रांस में यानी गणतंत्र को समाप्त करके राजतंत्र को ले आया था 1804 ईस्वी में, तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा, है ना। नेपोलियन को क्या कहा जाता है, तो क्रांति का पुत्र कहा जाता है। नेपोलियन को क्या कहा जाता है, तो नोट करना है, क्रांति का पुत्र। ये जो मैं एक्स्ट्रा बताते रहता हूं ना, ये एक्स्ट्रा दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, क्रांति का पुत्र कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका तीन नंबर, कि कृषि का आरंभ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कृषि है ना, जो आप कृषि कार्य करते हैं तो इसका आरंभ कब हुआ था। ऑप्शन आपको दिया गया है 4, फटाफट आपको ऑप्शन को रीड करना है और फटाफट आपको कमेंट कर देना है। तो कृषि का आरंभ हुआ था पूर्व पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग, नव पाषाण युग या धातु प्रस्तर युग में। तो इसका आरंभ हुआ था नव पाषाण युग में दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है ना, कृषि का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में कृषि के साथ साथ दोस्तों पशुपालन का भी प्रारंभ हुआ था, है ना। तो कृषि और पशुपालन दोनों आपको यहां से नोट कर लेना है, कृषि और पशुपालन, ठीक है। नवपाषाण काल में गांव बस्ती भी प्रारंभ हुआ था नवपाषाण काल में ही। चाक का आविष्कार दोस्तों याद रखिएगा, जो चाक है ना, जो कुम्हार लोग जो चाक चलाते हैं, तो इसका भी आविष्कार कब हुआ था, तो नवपाषाण काल में ही हुआ था। गांव है ना, याद करिएगा, मैंने सारा चीज यहां पर लिखवा देता हूं, गांव बस्ती, तो गांव और बस्ती का भी जो प्रारंभ हुआ था वो भी दोस्तों नवपाषाण काल में ही प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और धातु का प्रयोग ये भी आप नोट करिएगा, है ना, धातु का प्रयोग, तो धातु का प्रयोग कब से शुरुआत हुआ था, तो धातु का प्रयोग भी नवपाषाण काल से ही शुरुआत हुआ था। और अगर एक सवाल पूछा जाए कि मानव द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम धातु, बताइए दोस्तों मानव द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम धातु कौन सा था, तो प्रथम जो धातु था वो था आपका तांबा। कौन सा था, प्रथम धातु था आपका तांबा था, ये चीज आपको नोट करना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आग का प्रयोग सबसे पहले मतलब प्रारंभ कब हुआ, तो आग का जो प्रयोग हुआ मानव द्वारा ये हुआ पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण में, ठीक है। तो आग का प्रयोग कब हुआ, तो पूरा पाषाण काल, ठीक है, नोट करिएगा, पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण में, है ना, पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण में। हमें थोड़ा सा सर्दी खांसी हो गया था ना, मौसम चेंज होने की वजह से, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी का क्लास इससे बाधित नहीं होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि जुते हुए खेत, है ना, बताइएगा जुते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है। 4 नंबर सवाल है, जुते हुए खेत का प्रमाण
किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? हड़प्पा से, मोहन जोदड़ो से, काली बंगन से, चन्हूदड़ो से। ये देखिए आपकी जो क्लास हो रही है 6 से लेकर के आपको 10 क्लास तक की सामाजिक विज्ञान की दोस्तों आपको चल रही है, है ना। और 6 से लेकर के 10 क्लास तक आपको NCERT अगर PDF चाहिए NCERT तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर दे दिया गया है स्टार्टिंग में ही और आपको लास्ट में भी बता दिया जाएगा। बताइए जूते हुए खेत का प्रमाण हड़प्पाई स्थल कहाँ से मिला था? तो ये मिला था आपको कालीबंगन से। कहाँ से मिला था? कालीबंगन। और कालीबंगन है कहाँ भाई साहब? तो कालीबंगन आपको मिलेगा राजस्थान में, ठीक है। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है दोस्तों, कालीबंगन राजस्थान से मिला था, ठीक है। और कालीबंगन जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और कालीबंगन से देखिए और क्या मिला था, तो अलंकृत ईंट भी प्राप्त हुआ है ना, यहीं से दोस्तों अलंकृत ईंट का भी प्राप्ति यहीं से हुई है, कालीबंगन से ही, है ना, हनुमानगढ़ जिला से ही हुआ है, ठीक है। टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों, बताइएगा। टेराकोटा, है ना, टेराकोटा का हल, टेराकोटा नोट करिएगा, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। टेराकोटा का हल, टेराकोटा का हल जो प्राप्त हुआ था ये वनमाली से, है ना, वनमाली से प्राप्त हुआ था टेराकोटा का हल, नोट करिएगा आपको, ठीक है। चलिए, और मोहन जोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ था, तो सूती वस्त्र का प्रमाण, है ना, सूती वस्त्र का प्रमाण कहाँ से? मोहन जोदड़ो से, ठीक है। और चन्हूदड़ो से क्या प्राप्त हुआ था, तो मनके, है ना, मनके उद्योग प्राप्त हुआ था कहाँ से? चन्हूदड़ो से। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति किस दशक में आरंभ हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है हरित क्रांति, बार बार पूछा जाता है हरित क्रांति। देखिए हरित क्रांति यहाँ पर पूछ रहा है दशक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ईस्वी नहीं पूछ रहा है, दशक। दशक मने होता है दोस्तों 10 साल, है ना, दशक मतलब क्या होता है, 10 साल होता है। और वो कौन से 10वां साल था जिसमें आपको ये आपका हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो वो था दोस्तों आपका 1960 का दशक, है ना, 1960 से 70 मतलब क्या होता है, तो 1960 से 70, तो इसी में आपको शुरुआत हुआ था क्या, हरित क्रांति आपका, ठीक है। हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति के जो जनक थे वो थे नॉर्मन बोरलॉग थे आपका, ठीक है। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे हरित क्रांति के जनक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, है ना, ये ध्यान रखना। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, अगर दशक पूछे तो 60-70 हो जाएगा, और शुरुआत कब हुई थी, तो 66-67 में, है ना, 1966-67 में शुरुआत हुई थी आपको हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी, याद रखिएगा। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो M.S. स्वामीनाथन थे भारत में हरित क्रांति के जनक, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति का जो जन्म भूमि मतलब किसको कहा जाता है, तो हरित क्रांति का जन्म भूमि जो कहा जाता है वो पंत नगर, है ना, पंत नगर, नोट करिएगा, पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय, है ना, पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय को माना जाता है दोस्तों हरित क्रांति का जन्मभूमि। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 6 नंबर सवाल है कि फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? जी हाँ, तो फ्रांस में दोस्तों किस राजवंश का शासन था? बुर्बो राजवंश था, स्टुअर्ट राजवंश था, ट्यूडर राजवंश था, या रोमनोव राजवंश था? तो फ्रांस में आपका था बुर्बो राजवंश, है ना, ये कई बार पूछा गया है, नोट करिएगा, फ्रांस में बुर्बो राजवंश था। और बुर्बो वंश जो था दोस्तों, बुर्बो वंश का ही लुई 16वां, क्योंकि वहां पर लुई चलता था, लुई 14वां 15वां 16वां, है ना, तो लुई जो 16वां था, है ना, लुई 16वां के समय फ्रांस की राजक्रांति हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 फ्रांस की राजक्रांति, ये कब हुई थी, तो लुई 16वां के शासनकाल में ही हुई थी दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे कि स्टुअर्ट जो था ये कहाँ का शासन मतलब वंश था दोस्तों, स्टुअर्ट और आपको पूछे ट्यूटर, है ना, तो ये दोनों जो था इंग्लैंड से संबंधित, है ना, स्टुअर्ट और ट्यूटर जो है, ट्यूटर यहाँ पर ट्यूटर भी कहा जाता है, ये इंग्लैंड से जुड़ा हुआ था आपका इसका संबंध, ठीक है। अगला सवाल है आपका 7 नंबर, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि स्टेट्स जनरल किस प्रकार की संस्था थी? देखिए स्टेट्स जनरल किस प्रकार की संस्था थी, तो ये भी फ्रांस की क्रांति से ही संबंधित था। स्टेट जनरल के बारे में आपको कई बार पूरा डिटेल में भी हम कई बार बता चुके हैं, तो स्टेट जनरल जो इसके किस प्रकार की संस्था थी दोस्तों, तो ये प्रतिनिधियों की संस्था थी, है ना, ये किस प्रकार की संस्था थी, तो ये प्रतिनिधियों की संस्था थी। और चलिए तो आगे हम चलते हैं, अब अगला प्रश्न सवाल देखते हैं।
नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल है आपका 8 नंबर के, टाइथ। हाँ, टाइथ और टाइल दो प्रकार का कर आपको बताया गया था इस फ्रांस की क्रांति में, है ना। तो टाइथ और टाइल दो प्रकार का कर था दोस्तों। तो टाइथ जो था ये किस प्रकार का कर था, यानी कि टैक्स था आपका। तो टाइथ जो था दोस्तों ये प्रत्यक्ष कर था ना। कैसा कर था? एक प्रत्यक्ष कर था, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। टाइथ क्या था? तो एक प्रत्यक्ष कर था, और टाइथ जो था ये किसानों से वसूल किए जाने वाला एक धार्मिक कर था, है ना। टाइथ किस प्रकार का कर था, ये किससे वसूला जाता था? ये किसानों से वसूला जाता था। और किस प्रकार का कर था? तो एक प्रकार का ये धार्मिक कर था ना। कैसा कर था? तो एक प्रकार का ये धार्मिक कर था आपका टाइथ, पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए, और देखिए, टाइथ जो कर वसूली होता था इस पर रोक कब लगाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय सभा ने दोस्तों 1789 ईस्वी में, है ना, राष्ट्रीय सभा ने 1789 में टाइथ के वसूली पर रोक लगा दिया था। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से सही क्या है, बताइए। यहाँ पर 4 गो कथन दिया गया है, इसमें से आपको सही बताना है। कथन एक है कि पादरी राज्य को कर देते थे, बी है कि बुरबुआ वर्ग कर नहीं देता था, और सी है कर वसूलने का काम राजकीय पदाधिकारी करते थे, और डी है कर वसूलने का काम टैक्स फॉर्मर करते थे। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है, है ना, कौन सा कथन यहाँ पर सही है आपको बताना है। देखिए, कथन कौन सा सही है, तो कर वसूलने का काम टैक्स फॉर्मर करता था, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। कर वसूलने का काम टैक्स फॉर्मर करते थे, ये सही है। टैक्स फॉर्मर कौन थे दोस्तों? तो टैक्स फॉर्मर एक प्रकार के ठेकेदार थे, है ना। कौन थे? तो एक प्रकार के दोस्तों ये ठेकेदार होते थे जो आपको टैक्स वसूलते थे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर कि गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी, गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी? मेटरनिक ने, बिस्मार्क ने, लॉयड जॉर्ज ने, या बुड्रो विल्सन ने? तो गुप्त संधियों की नीति जो अपनाई गई थी दोस्तों, ये किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो गुप्त संधियों की नीति बिस्मार्क ने, बिस्मार्क, ठीक है, याद रखिएगा, बिस्मार्क अपनाई थी। किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने अपनाई थी। बिस्मार्क दोस्तों कहाँ का था? तो ये जर्मनी, ठीक है। बिस्मार्क जो था ये जर्मनी के एकीकरण के जनक माने जाते थे, है ना। बिस्मार्क जो थे दोस्तों ये जर्मनी के, है ना, जर्मनी के एकीकरण के जनक, है ना, जर्मनी के एकीकरण के जनक माने जाते थे आपको बिस्मार्क, पूछा गया प्रश्न है। बिस्मार्क 1871 से 1890 तक जर्मनी के चांसलर भी रहे थे, ठीक है, है ना। जैसे भारत में प्रधानमंत्री होता है उसी प्रकार से वहां पर चांसलर होता है आपका। अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 11 नंबर। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि 1879 की द्वैध संधि किन राष्ट्रों के मध्य हुई थी, बताइए। 1879 की द्वैध संधि जो हुई थी, ड्यूअल अलायंस जो हुई थी, ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था, ऑप्शन पढ़िए फटाफट, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, जापान, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी। तो 1879 में द्वैध संधि ऑस्ट्रिया और जर्मनी के मध्य हुई थी। किसके किसके बीच? ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच हुई थी, और ये जो संधि थी दोस्तों ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच हुई थी, द्वैध संधि। अगर पूछे आपको त्रिगुट संधि कब हुआ था, है ना, 1879 में तो हुआ था आपको द्वैध संधि, ड्यूअल अलायंस। अगर आपसे पूछे दोस्तों त्रिगुट संधि कब हुआ था, बताइए फटाफट, है ना, त्रिगुट संधि, तो त्रिगुट संधि हुआ था 1882 में, है ना। कब हुआ था? 1882 में हुआ था। और त्रिगुट संधि में कौन कौन सम्मिलित थे? तो त्रिगुट संधि में नोट करना है जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी शामिल था आपका त्रिगुट संधि में, ठीक है। और त्रिराष्ट्रीय समझौता इंग्लैंड, फ्रांस, रूस के बीच में हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर सवाल है कि हंगरी की भाषा क्या थी दोस्तों, बताइएगा। हंगरी की भाषा क्या थी, है ना, हंगरी जो देश है इसकी भाषा इतालवी थी, मैग्यार थी, पोलिश थी या फ्रेंच थी? तो हंगरी की भाषा थी मैग्यार। कौन सी भाषा थी? मैग्यार भाषा थी, है ना। और हंगरी पर ऑस्ट्रिया का ही प्रभाव था, ये भी ध्यान रखना है। ऑस्ट्रिया का प्रभाव इटली और जर्मनी क्षेत्रों पर भी होता था। तो ये रहा आपका
अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 13। 13 सवाल कह रहा है कि जॉल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी। बताइए जॉल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी। प्रसा ने, ऑस्ट्रिया ने, सार्डिनिया ने या नेपल्स ने, किसने की थी। तो जॉल्वे राइन की स्थापना प्रसा राज्य में किया गया था। कहाँ किया गया था, प्रसा राज्य में किया गया था जॉल्वे राइन की स्थापना, ठीक है। और 1834 ईस्वी में प्रसा में जॉल्वे राइन शुल्क संघ की स्थापना किया गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, अच्छा कहाँ हुई थी। तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना ऑप्शन रूस, फ्रांस, जर्मनी, लंदन, यहाँ पर लंदन है ना, तो कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी आपको लंदन में ही हुई थी दोस्तों प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना, है ना। और ये कब हुई थी अगर पूछा जाए तो 1864 में हुई थी प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। हाँ, ये को पूछा जाता है थर्ड इंटरनेशनल, तो प्रथम इंटरनेशनल लंदन में हुआ था 1864 में, थर्ड इंटरनेशनल हुआ था 1919 में, है ना, थर्ड इंटरनेशनल हुआ था 1919 में, कहाँ हुआ था, तो मॉस्को में हुआ था थर्ड वाला। अगला प्रश्न है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों देखिए 9 बजे से आपकी डेली टेस्ट होती है, तो 9 बजे आपको ज्वाइन कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अगर आपको PDF चाहिए 6 से लेकर के 10 क्लास तक, तो आपको मिल जाएगा। आप हमारे WhatsApp ग्रुप पे आप मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे आपको कैसे प्राप्त होगा ये भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। 6 to 10 तक चैप्टर वाइज MCQ नोट्स आपको मिल जाएगा। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व सबको पता है लेनिन साहब किए थे। कौन किए थे, तो लेनिन किए थे, है ना। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी जल्दी से बताइए। बोल्शेविक क्रांति तो नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति को नवंबर क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि ये नवंबर में हुआ था, याद रखना है, है ना। इस क्रांति द्वारा दोस्तों, है ना, जो रूस के जो शासक होते थे जिनको कहा जाता था जार, है ना, तो जार का निरंकुश शासन यहाँ पर समाप्त हुआ था। कौन सी क्रांति के बाद, तो बोल्शेविक क्रांति के बाद ही यह समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है आपका 16 है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स और एंगेल्स थे, है ना, कौन थे, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स थे दोस्तों आपको साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक। साम्यवादी घोषणा ये कब हुआ था, तो 1848 ईस्वी में आपको ये हुआ था, ठीक है। चलिए और देखिए एक पुस्तक है दास कैपिटल, है ना, दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था, कार्ल मार्क्स के द्वारा ही लिखा गया था पुस्तक दास कैपिटल, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, दास कैपिटल किसकी पुस्तक है, दास कैपिटल तो कार्ल मार्क्स की ये पुस्तक है और ये 1867 में प्रकाशित हुआ था। अगला सवाल है आपका कि हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। बताइए हिंद चीन में, इसका भी PDF जो अभी क्लास हो रही है ना, इसका भी PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगा, है ना। अभी तक 11 टेस्ट हुआ था, तो 11वें टेस्ट का PDF हम दे दिए हैं, जो लोग नहीं लिए हैं तो वो लोग कॉन्टेक्ट कीजिएगा, उनको भी मिल जाएगा। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था, वियतनाम, लाओस, चीन या कंबोडिया। तो हिंद चीन में दोस्तों कौन शामिल नहीं था, हिंद चीन में दोस्तों चाइना शामिल नहीं है ना। आपको आपको लगेगा कि हिंद चीन में तो चाइना होवे करेगा, लेकिन नहीं, हिंद चीन में चाइना शामिल नहीं है। हिंद चीन का नाम इंडो चाइना है ना, इसी को कहा जाता है इंडो चाइना भी, ठीक है, इसी को कहा जाता है इंडो चाइना, है ना, इसी को इंडो चाइना भी कहा जाता है। हिंद चीन पर फ्रांसीसी उपनिवेश था, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 18। 18 सवाल है कि भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भारत में दोस्तों सबसे पहले 1917 में स्थापित होती है जूट मिल, ठीक है, और ये होती है कहाँ, तो कलकत्ता में। देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाइएगा, तो सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है वेस्ट बंगाल में, तो कलकत्ता ही होगा आपका आंसर, है ना। चलिए और प्रथम जूट मिल कलकत्ता में लगा था,
अच्छा देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पहली देसी जूट मिल है आपका यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हो रहे थे। प्रथम देसी जूट मिल, अगर पूछे कि प्रथम देसी जूट मिल कहाँ हुआ था, तो प्रथम देसी जूट मिल हुआ था कलकत्ता में दोस्तों, ठीक है, 1917 ईस्वी में। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम जूट मिल, है ना, अगर आपसे पूछा कि प्रथम जूट मिल कहाँ लगा था, तो प्रथम जूट मिल जो लगा था वो 1855 में ही लगा था आपको, ठीक है। प्रथम जूट मिल जो लगा था 1855 में लगा था, और प्रथम जूट मिल जो लगा था वो लगा था आपको रीसरा में, है ना, कहाँ लगा था, रीसरा में आपको स्थापित किया गया था, ठीक है। सुंदरवन का जो डेल्टा है ना, वो जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भारत में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाँ एक सवाल इससे और पूछा जाता है कि जूट को क्या कहा जाता है, जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर, है ना, जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर कहा जाता है दोस्तों, ये भी सवाल पूछा जाता है, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था, है ना, औद्योगिक क्रांति होता है कहाँ, तो इंग्लैंड में, है ना, इंग्लैंड में होता है औद्योगिक क्रांति। तो प्रश्न है कि कौन सा औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था, ये आपसे पूछ रहा है, कारण नहीं था ये आपको बताना है, कौन सा कारण नहीं था। ऑप्शन दिया गया है धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण, सामंतवाद या वैज्ञानिक आविष्कार। तो कौन सा कारण नहीं था, कारण जो था ना धर्म सुधार आंदोलन जो था, धर्म सुधार आंदोलन, ये दोस्तों आपको औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था आपका, ठीक है, मेन आंसर हो जाएगा आपका ए, सामंतवाद था, पुनर्जागरण भी था, वैज्ञानिक आविष्कार भी था, भौगोलिक स्थिति भी था, खनिजों का उपलब्धता भी थी, कृषि क्रांति भी था, मजदूरों की उपलब्धता भी था, कुशल कारीगर भी था दोस्तों, आपका राजकीय संरक्षण भी था, जनसंख्या की वृद्धि भी था, लेकिन धर्म सुधार आंदोलन नहीं था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20 नंबर है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है जनसंख्या का घनत्व, ये कॉमन चीज है कि सबसे अधिक कहाँ होगा, गांव में तो होगा नहीं, है कि नहीं, गांव में होगा, गांव में कभी नहीं होगा, कस्बा में नहीं होगा, गंजों में नहीं होगा, शहर में होगा, है ना, शहर में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा होता है। और अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है, तो वो हो जाएगा दिल्ली, है ना, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो शहर है वो है आपका दिल्ली है, याद रखिएगा, ठीक है। शहर में पूछ रहा हूँ मैं, राज्य नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको पूछा जाए कि 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 हो जाएगा। अगर कहे कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो हो जाएगा अपना बिहार का, है ना, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए और सबसे कम अगर पूछे दोस्तों, तो सबसे कम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, दोस्तों लंदन में भूमिगत रेल जो था वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। देखिए सबसे पहले लंदन में ही भूमिगत रेल यानी कि मेट्रो रेल की शुरुआत होती है, और 1863 में प्रारंभ हो गया था वहां पर, है ना, 1863 में ही लंदन में भूमिगत रेल स्थापित हो गया था, प्रारंभ हो गया था वहां पर। और सर्वप्रथम नियमित यात्री रेलगाड़ी जो था वो मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच चलाया गया था। अगर कहे कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहां से कहां तक चला था, तो सबको पता होगा थाने से लेकर के बॉम्बे तक चला था भारत में प्रथम रेलगाड़ी। कब चला था दोस्तों, तो ये 1853 में चला था, लॉर्ड डलहौजी के समय चला था, और मात्र 24 किलोमीटर के बीच में ये चलाया गया था आपका, है ना। अगर कहे कि भारत में प्रथम मेट्रो रेल कब चला था, बताइए, तो भारत में प्रथम मेट्रो रेल, है ना, भारत में प्रथम मेट्रो रेल जो चला था, नोट कर लीजिएगा, 24 अक्टूबर, है ना, 24 अक्टूबर, इस बार भी मेट्रो से संबंधित एक सवाल पूछा था, है ना, 1984, जिसका आंसर कोच्चि था, लेकिन बाद में बदल करके कोलकाता कर दिया, है ना। चलिए तो प्रथम मेट्रो रेल जो चला था वो 24 अक्टूबर 1984 को चला था भारत में, और ये कहाँ चलाया गया था, तो ये कलकत्ता मेट्रो, ठीक है, कलकत्ता मेट्रो सबसे पहले भारत में चला था, 1984 में ही चला था, ठीक है। देखिए मेट्रो मैन किसको कहा जाता है, बताइएगा कमेंट करके, मेट्रो मैन किसको कहते हैं, बताइए दोस्तों, मेट्रो मैन
किसको कहा जाता है ना, मेट्रो मैन कहा जाता है ई श्रीधरन को, है ना, ई श्रीधरन को कहा जाता है क्या, तो मेट्रो मैन कहा जाता है, पूछा गया सवाल है। आधुनिक मेट्रो रेल भारत में कहाँ चलती है, तो आधुनिक मेट्रो रेल जो भारत में है वो दिल्ली मेट्रो रेल को कहा जाता है आधुनिक मेट्रो रेल। चलिए अब तो मेट्रो पटना में भी बन ही रहा है, एक आधो साल में स्टार्ट हो ही जाएगा, तो चढ़ लीजिएगा, है ना। प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टेच्यूटी कमीशन को आम तौर पर किस नाम से जाना जाता है, इंडियन स्टेच्यूटी कमीशन को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है। देखिए जो कमीशन आया था भारत में, इंडियन स्टेच्यूटी कमीशन, यानी कि इसी को साइमन कमीशन भी कहा जाता है ना, इसी को कहा जाता है आपको साइमन कमीशन, वही आपको पूछ रहा है कि इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहा जाता है साइमन कमीशन। देखिए साइमन कमीशन का जो गठन होता है दोस्तों वो 8 नवंबर, है ना, 8 नवंबर 1927 को ये इसका गठन होता है, और ये भारत का वह साइमन कमीशन आता है तो याद रखिएगा 3 फरवरी 1928 को, है ना, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, मुंबई भारत पहुंचता है। और साइमन कमीशन में देखिए जितने भी सदस्य थे इसमें 7 सदस्य थे, है ना, टोटल कितने सदस्य थे इसमें 7 सदस्य थे, जितने भी सदस्य थे सभी सदस्य जो थे दोस्तों वो आपको मतलब कि यूरोपवासी, मतलब इंग्लैंड के थे, अंग्रेज ही थे सारे सदस्य इसमें, इसीलिए इसका विरोध हुआ था जम करके, है ना, और जहाँ जहाँ ये कमीशन गया वहाँ पर दोस्तों ये जम करके इसका विरोध हुआ, और इसी कमीशन के विरोध में दोस्तों लाला लाजपत राय जो थे, है ना, उनका देहांत भी हो जाता है लाठीचार्ज की वजह से, ठीक है, ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए तो चलते हैं अगला सवाल, हम देखते हैं अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक की शुरुआत किया था। देखिए द सोशलिस्ट नामक समाजवादी जो ये साप्ताहिक पत्रिका थी, इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने किया था दोस्तों, तो इसकी शुरुआत होती है आपको श्रीपाद अमृत डांगे के द्वारा। किसके द्वारा? श्रीपाद अमृत डांगे के द्वारा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर आपका, ठीक है, 23 का आंसर हो जाएगा श्रीपाद अमृत डांगे, एस ए डांगे कहा जाता है, इनका पूरा नाम है श्रीपाद अमृत डांगे, है ना, और ये इन्होंने सर्वप्रथम भारत में द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किए थे। चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 24 नंबर कि वाई सोशलिज्म, है ना, वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। फटाफट आप लोग अपना अपना कमेंट करिएगा, भाई साहब लाइक अभी तक क्यों नहीं किए, है ना, एक लाइक तो कर दीजिए, आप सभी के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप एक लाइक भी नहीं करते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ठीक है। चलिए और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कोई भी आपका सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा आप कमेंट नहीं कर पाइएगा, और उसके बाद हम आप उसका जवाब भी नहीं दे पाएंगे। अगर आपको जवाब चाहिए तो आप कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना, सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा आपको। अगर किसी प्रकार का भी आपको कोई भी क्वेरी हो, है ना, एग्जाम से संबंधित, तैयारी से संबंधित, किसी प्रकार का अन्य कोई समस्या हो, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 24 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट सवाल हम चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है आपका 25 नंबर। 25 कह रहा है दोस्तों कि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 ईस्वी की सालबाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी, है ना, मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ जो सालबाई की संधि होती है 1782 में होती है, इसवी ध्यान रखिएगा, सालबाई की संधि 1782 में किसके आग्रह पर की गई थी, पेशवा गायकवाड़ सिंधिया या होलकर, तो ये हो जाएगा आपको पेशवा माधव राव के, है ना, आंसर हो जाएगा सालबाई की जो संधि हुई थी वो 1782 ईस्वी को पेशवा माधव राव के कार्यवाहक महादजी सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करते हुए एक संधि हुई, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंधिया, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिंधिया हो जाएगा, है ना, सालबाई की संधि, है ना, किसके आग्रह पर की गई थी, सिंधिया के आग्रह पर की गई थी, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर की भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए, तो
पुर्तगाली साम्राज्य भारत में स्थापना कौन किया था, संस्थापक कौन थे? तो बहुत ही पूछा गया प्रश्न है, तो अल्फांसो डी अल्बुकर, नाम तो याद होगा ना, अल्फांसो डी अल्बुकर जो थे, इन्होंने ही दोस्तों भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं, सवाल नंबर है आपका, और देखिए जो लोग भी अगर एनसीईआरटी पीडीएफ आपको चाहिए है ना, बीपीएससी सेकेंड फेज का एनसीईआरटी अगर 6 to 10 तक है ना, 6 to 8 है ना, जो भी 6 to 8 सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट होंगे या फिर 9th-10th सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट होंगे, तो आपको नोट्स मिल जाएगा आपको है ना, चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू मिल जाएगा एनसीईआरटी का 6 से लेकर के 10 क्लास तक आपको। ठीक है, 6 से लेकर के 10 क्लास तक चैप्टर वाइज मिल जाएगा, 6ठा का अलग, 7वां का अलग, 8वां का अलग, 9वां का अलग, 10वां का अलग है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स चारों का आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके अलावा जो डेली टेस्ट होता है उतना आपको करते रहना है। चलिए, तो ये नंबर आपको दे दिया गया है, आप यहां से कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि गुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम बताना है। बताइए कुमार गुप्त प्रथम के क्या होगा कुमार गुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम क्या था? तंतुवाय था, दंतकार था, कुलिक था या तैलिक था? क्या होगा दोस्तों, 27 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर तंतुवाय है ना, तंतुवाय हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कुमार गुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम तंतुवाय था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28 नंबर की बंगाल में कैवर्त विद्रोह किसके राजकाल में हुआ था? बताइए बंगाल में कैवर्त विद्रोह किसके राज्यकाल में हुआ था? देवपाल, विग्रहपाल, महीपाल द्वितीय या रामपाल के समय में? तो रामपाल के शासनकाल में हुआ था है ना, रामपाल के शासनकाल में कैवर्त के किसानों का विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 29 नंबर, और सूची एक में दिया गया स्मारक और सूची दो में दिया गया है आपको निर्माता है ना, आपको ये सूची यहाँ पर सजाना है, देख लीजिए चारों सूची आपको दिख रहा है ना। चलिए भाई साहब, तो शाहजहां जो थे, अकबर थे, नूरजहां थे, औरंगजेब थे। शाहजहां कौन से स्मारक बनाए थे? शाहजहां तो बहुत सारा चीज बनाए हैं, तो शाहजहां जो बनाए थे वो मोती मस्जिद आगरा हो जाएगा है ना। चलिए अकबर क्या हो जाएगा भाई, अकबर हो जाएगा बुलंद दरवाजा है ना, ये बुन जाएगा इसमें। शाहजहां कहां गया, मोती मस्जिद आगरा हो जाएगा, और बादशाही मस्जिद लाहौर ये हो जाएगा आपका औरंगजेब, और एक आपका बच गया एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने। ठीक है, तो 4-3, 4-3-2-1 हाँ 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। शाहजहां क्या बनाए थे, मैं एक बार फिर से यहां पर मिला देता हूं, शाहजहां आगरा का मोती मस्जिद, अकबर क्या बनाए थे, बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सिकरी में है आपका, नूरजहां क्या हो जाएगा, तो नूरजहां हो जाएगा एतमादुद्दौला का मकबरा, और औरंगजेब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बादशाही मस्जिद लाहौर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ये आपको पूछ दिया जाता है बनाने वाले कौन क्या बनाए थे, आप क्या अपने लाइफ में बनाए ये भी बता दीजिए है ना, आप भी तो कुछ लाइफ में बनाए होंगे। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक बोली लगाने वालों को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए जितने भी प्रश्न है ना, ये एनसीईआरटी बेस्ट है दोस्तों। ठीक है, एनसीईआरटी ही बेस्ट है आपको, एनसीईआरटी अगर आप पढ़े होंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन झलक रहा होगा यहाँ से, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो। बताइए सबसे अधिक बोली लगाने वालों को भू राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? क्लाइव ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या लॉर्ड विलेजली ने?
30 का आपका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही दोस्तों सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर राजा राम मोहन राय। जी हाँ दोस्तों, राजा राम मोहन राय बहुत पूछा गया सवाल है राजा राम मोहन राय से संबंधित, है ना। तो राजा राम मोहन राय निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक थे? राजा राम मोहन राय कौन से ग्रंथ के लेखक थे? दबिस्तान ए मजहब, तोहफत उल मुहद्दीन, अखबार हिंद, अखबारुल अखियार। क्या हो जाएगा आंसर 31 का? तो 31 का आपका राइट आंसर मैं बता दूं, तोहफत उल मुहद्दीन जो था ये था आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था दोस्तों। ठीक है, है ना, राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था, ध्यान रखना है आपका। चलिए, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है क्या? तो भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है, नोट करिएगा, भारतीय पत्रकारिता, है ना, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसको कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? ये आरंभ किया गया था बी आर अंबेडकर जी के द्वारा, भीमराव अंबेडकर ने। हरिजनों के कल्याण के लिए दोस्तों और अछूतों के उद्धार के लिए ही 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा? बी आर अंबेडकर के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर सवाल। चलिए, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? देखिए, 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय के द्वारा उर्दू समाचार पत्र शुरू किया गया था, और वो उर्दू समाचार पत्र का नाम क्या था? तो इसका नाम था दोस्तों वंदे मातरम। जी हाँ, वंदे मातरम जो था लाहौर से ये शुरू किया गया था, है ना, लाहौर से एक उर्दू दैनिक पत्र था ये, है ना, डेली ये प्रकाशित होता था आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34 नंबर, कह रहा है कि किसके प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? जी हाँ, तो किसके प्रयास से दोस्तों बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय, बहुत अच्छा सवाल है। तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी बंबई में, किसके प्रयास से? तो वो कौन थे? वो थे आपके डॉक्टर के करवे, है ना, डॉक्टर के करवे, यहाँ पर डी होगा दोस्तों, डी के करवे के द्वारा महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे, और इनके द्वारा ही प्रथम महिला विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई थी बंबई में आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, है ना, भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, भारत स्वतंत्र तो सबको पता है कि 1947 में हुआ था, तो उससे थोड़ा सा पहले 1946 की ये घटना है, है ना, जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो थे आपका दोस्तों JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी थे। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। JB कृपलानी का किन्हीं को पूरा नाम याद है तो बताइएगा, तो है ना, JB का फुल फॉर्म क्या होता है, ना, JB कृपलानी, तो JB का पूरा नाम होता है दोस्तों जीवट राम भगवान दास कृपलानी, है ना, जीवट राम भगवान दास कृपलानी। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर, प्रश्न है 36 नंबर, देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, है ना, इसका आंसर क्या होगा? 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा जो दिया गया था स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दिया गया था? तो वो थे दोस्तों आपका कौन? तो वो थे आपको
केसरी 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 किनका है? तो केसरी किनका है? बाल गंगाधर तिलक, है ना। केसरी किनका है? बाल गंगाधर तिलक का है। तो केसरी में ही वर्णित लेखों के फलस्वरूप दोस्तों बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था और बाल गंगाधर तिलक को ही, है ना, मतलब कि कारावास की सजा हुई थी। 1908 ईस्वी में 6 साल की कारावास की सजा इनको सुनाई गई थी। और इनको कहाँ रखा गया था कैद करके? तो इसको मांडले जेल में पूछा जाता है, इनको किस जेल में बंद किया गया था? मांडले जेल। मांडले जेल है कहाँ? तो ये है आपको बर्मा में, है ना, वर्तमान में म्यांमार में है दोस्तों, बर्मा में, यहीं पर इसको कैद किया गया था बाल गंगाधर तिलक को। आपको ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की एक प्रमुख पुस्तक है दोस्तों गीता रहस्य, याद रखिएगा गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? तो ये बाल गंगाधर तिलक की ही पुस्तक है। अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 37 नंबर प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? जी हाँ, तो सबको पता है दोस्तों बंगाल विभाजन, है ना, 1905 से संबंधित 3-4 डेट आपको याद रखना पड़ेगा। लॉर्ड कर्जन सबसे पहले इसके शासनकाल में ही हुआ था बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक, है ना। बंगाल विभाजन जो हुआ था उस समय बंगाल में कौन कौन से राज्य सम्मिलित थे? तो उड़ीसा भी था उस समय, है ना, बांग्लादेश भी इसी में शामिल था, बिहार भी उसी में शामिल था, ठीक है, है ना। सभी मिला करके दोस्तों बंगाल कहा जाता था, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, पश्चिम बंगाल जो भी वर्तमान में है, और बांग्लादेश, है ना। बहुत बड़ा एरिया था, है ना, वो छोटा एरिया नहीं था, बहुत बड़ा एरिया था, पूरे मिला करके बंगाल कहा जाता था। बंगाल विभाजन, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निर्णय की घोषणा कब हुई थी? बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई थी, याद रखिएगा, 19 जुलाई, है ना, 19 जुलाई 1905 को, है ना, 19 जुलाई 1905 को। अगर पूछे कि यह लागू कब हुआ था, तो यह लागू हुआ था आपको 16 अक्टूबर, है ना, 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हो गया था। और घोषणा कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1905 को। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 38 नंबर। तो ये नंबर भी आपको यहाँ से मिल गया, ये नंबर आपको व्हाट्सएप नंबर है, है ना, पीडीएफ लेने के लिए। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अलीगढ़ सर सैयद अहमद खां, देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननौतवी, अहमदिया आंदोलन आपको महमूद उल हसन, फरेंजी आंदोलन शरीयतुल्लाह, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पर अहमदिया आंदोलन जो है, है ना, अहमदिया आंदोलन की स्थापना हुई थी 1889 में, अहमदिया आंदोलन 1889 में, और मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी, ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी, महमूद उल हसन नहीं किए थे। तो यही आपका गलत है, मिर्जा गुलाम यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, है ना, मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा ये किया गया था, सी नंबर यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहां आरंभ किया था? जी हाँ, तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे थे? 9 जनवरी, इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है दोस्तों आपको 9 जनवरी को, है ना, 9 जनवरी 1915 को ही गांधी जी वापस आए थे भारत। और इसी लौटने के बाद सबसे पहले उनका व्यक्तिगत जो सत्याग्रह था वो 1917 वाला सत्याग्रह था, चंपारण आंदोलन था आपका, ठीक है, यानी कि आंसर क्या होगा? सी नंबर, प्रथम सफल सत्याग्रह था आपका चंपारण। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर आपका चंपारण सत्याग्रह। देखिए लखनऊ अधिवेशन होता है आपका 1916 में, है ना, लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 में, और 1916 में ही राजकुमार शुक्ल जो थे वो गांधी जी को बिहार चंपारण आने के लिए आग्रह किए थे, और फिर 1917 में गांधी जी आपको बिहार आते हैं, है ना। और जो तिनकठिया पत्ती थी 3/20, है ना, तिनकठिया पत्ती जो थी 3/20, यानी कि 3 कट्ठा पर आपका नील की खेती होता था, टोटल 20 कट्ठा यानी कि 1 बीघा में, है ना, उसी को समाप्त करने के लिए आपको ये हुआ था आपका। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, आपका 40 नंबर सवाल है
चलिए गला भी फंस रहा है। प्रश्न है हमारा कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। जी हाँ दोस्तों, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो दक्षिण अफ्रीका में कौन से पत्रिका का प्रकाशन किए थे, तो वहां पर उन्होंने किए थे इंडियन ओपिनियन। जी हाँ, है ना, इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका था या अखबार भी कह सकते हैं, है ना, इसी का प्रकाशन उन्होंने यहाँ वहां पर किए थे। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ये 40 सवाल आपका यहाँ से कंप्लीट होता है और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे नंबर पर, इसका आंसर भी दे दिया गया है। और ये रहा आपका सेकेंड फेज, है ना, बीपीएससी सेकेंड फेज, अभी जो लगभग बहाली आएगी 1 लाख से 1.25 लाख लगभग बहाली आएगी, क्योंकि जो फर्स्ट फेज की बहाली जो हुई है इसमें बहुत सारे सीट खाली रहेंगे और बहुत सारे सीट खाली रहेंगे और ये भी वाला सीट आपको उसमें ऐड किया जाएगा। तो जो अभ्यर्थी थोड़ा सा चूक गए हैं, घबराइए नहीं, धैर्य बना करके रखिए, थोड़ा सा हिम्मत बना करके रखिए और तैयारी में जुड़ जाइए। नया बैच के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गया है, आपका तैयारी चल रहा है। 6 to 8 और 9 to 10 सामाजिक विज्ञान का आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा, कितने में, तो ओनली 351 रुपया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 351, कोई चार्ज अलग से नहीं लगेगा। और जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको दोस्तों टेस्ट भी होते रहेगी और आपकी पीडीएफ भी डेली बाई डेली आपको मिलते रहेगा। 100% रिजल्ट की गारंटी है, लेकिन मैंने जितना मटेरियल दूंगा उतना आपको याद करना पड़ेगा, बिल्कुल 100%। और जो भी मैं पीडीएफ ले दे रहा हूँ, जो आपको क्लास चल रही है, उतना आपको कंप्लीट करते रहना है, ठीक है। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो बीपीएससी फर्स्ट फेज में जुड़े हुए थे, अगर वो फिर से जुड़ना चाह रहे हैं, 2-4 नंबर से छूट गए हैं, तो उनका 50% फी में डिस्काउंट कर दिया गया है, यानी कि उनको 175 मात्र आपको पे करना पड़ेगा, जो बीपीएससी फर्स्ट फेज में जुड़े थे सिर्फ उनके लिए है, याद रखिएगा, जो बीपीएससी फर्स्ट फेज में जुड़े थे सिर्फ उनके लिए है। और ये नंबर आपको दिया गया है नीचे, है ना, तो आप फोन पे गूगल पे किसी भी माध्यम से 7857 82 43 10 फोन पे गूगल पे पेटीएम आप पेमेंट करके हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिएगा ताकि मैं आपको ग्रुप में जोड़ सकूं और आपको सारे पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो डेली आपको 9 बजे से भी क्लास होता है, कोई किसी प्रकार का आपको अगर सवाल है, कोई कुछ सवाल पूछना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, उसके बाद में उसका जवाब आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए, भविष्य बनाना है दोस्तों तो बीपीएससी 3-2 फेज तैयारी शुरू कर दीजिए, तैयारी आपकी शुरू हो गई है। चलिए तो फिर मिलते हैं हम कल इसी चैनल पर इसी समय, तब तक के लिए गुड नाइट, खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए, धन्यवाद।